वेलकम इंजीनियर्स, आज हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर का पार्ट 25 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वोट टाइप ऑफ वाटर व्हेन यूज्ड कंटिन्यूअसली फॉर ड्रिंकिंग वुड काउज हार्मफुल डैमेज टू टीथ एंड बोन्स। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके किस प्रकार के पानी का जो है लगातार यूज करने पर दांत और हड्डियों पर जो है दुष्प्रभाव होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, अधिक कठोरता वाला पानी यूज करने पर, या फिर अधिक क्लोराइड वाला पानी यूज करने पर, अधिक फ्लोराइड वाला पानी यूज करने पर, या फिर अधिक सल्फर वाला पानी यूज करने पर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा, अधिक फ्लोराइड वाला पानी पीने से जो है लगातार आपके दांत और हड्डियों पर जो होगा दुष्प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू द वाटर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस टेस्ट का यूज पानी से होकर लाइट के गुजरने पर उत्पन्न होने वाले रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको टेस्ट दे रखे हैं, टर्बिडिटी टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट, कलर टेस्ट, या फिर परमिसिबल टेस्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा, आपका ये टर्बिडिटी टेस्ट जो है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्मॉल कलर इंटेंसिटीज प्रीसियसली। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का जो यूज है स्मॉल कलर को जो है मापने के लिए किया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, टर्बिडिटी मीटर, नेफ्लोमीटर, टिंटोमीटर, या फिर हाइग्रोमीटर। तो आपके कलर को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, टिंटोमीटर का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इंडिकेटर टर्न वाटर इनटू पिंक कलर इफ द पीएच इज मोर देन 8.3। कौन सा केमिकल इंडिकेटर जल के रंग को जो है गुलाबी कर देता है यदि पीएच मान जो उसका कितना हो 8.3 से अधिक हो। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ब्रोमोथाइमाल ब्लू, मार्कसाइट, फिनालथेलीन, मेथिल ऑरेंज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, फिनालफ्थलीन। अगला क्वेश्चन है, द हार्डनेस कॉज्ड बाई सल्फेट क्लोराइड एंड नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम इज टर्म्ड एज डैश हार्डनेस। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड तथा नाइट्रेट के कारण होने वाली कठोरता को जो है कौन सी कठोरता कहा जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आभासी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस, एल्कलाइन हार्डनेस, या फिर टेम्प्रोरी हार्डनेस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, इसे कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एनर्जी पोसेसेड बाई ए बॉडी फॉर डूइंग वर्क बाई वर्चू ऑफ इट्स पोजिशन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, वह एनर्जी जिसका कोई पिंड अपनी अपनी कंडीशन के आधार पर कार्य करने के लिए स्टोर्ड रखता है वो क्या कहलाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या फिर स्ट्रेस एनर्जी। तो ये कहलाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज फॉर डिफ्यूसिविटी ऑफ कंक्रीट विच विल चेंज टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टिविटी। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कंक्रीट के विसरणशीलता के लिए रेंज क्या होगी, वो भी आपके किसके संबंध में, टेम्परेचर के चेंज के संबंध में। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, 0.002 से लेके 0.006 मीटर स्क्वायर आवर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्शन ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट डिज़ाइन कैलकुलेशंस क्वांटिटीज ऑफ वर्क रेट एंड कॉस्ट ऑफ द वर्क बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज नोन एज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के समक्ष प्राधिकरण के द्वारा जो है आपका डिटेल्ड एस्टीमेट डिज़ाइन कैलकुलेशंस क्वांटिटी ऑफ वर्क रेट एंड कॉस्ट की जो स्वीकृत होती है वो क्या कहलाती है। ये कहलाती है आपकी टेक्निकल सेक्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोम से है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल एंड यूनिफॉर्म फ्लेक्सर रिजिडिटी ई आई कैरी ए सेंट्रल लोड डब्ल्यू एंड टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू थ्रू आउट द स्पान द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन गिवन बाई। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लग रहा है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा वो कितना होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द ब्रिक्स यूज्ड फॉर ए लोड बियरिंग मेसनरी बिल्डिंग शुड पोसेस द फॉलोइंग क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी एक लोड बियरिंग मेसनरी बिल्डिंग में यूज होने वाली जो भी आपकी ब्रिक्स होती है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, मोर देन 3.5 न्यूटन एमएम स्क्वायर या फिर मोर देन 105 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर या मोर देन 2.5 मेगापास्कल या मोर देन 15 किलो न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके ब्रिक्स की जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी मोर देन 105 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलर सीमेंट वाइट सीमेंट कंसिस्ट ऑफ डेस परसेंटेज ऑफ पिगमेंट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके रंगीन सीमेंट और सफ़ेद सीमेंट में जो है पिगमेंट की जो है परसेंटेज कितनी होती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 2 से 4%, 8 से 12%, 4 से 10% या फिर 5 से 10%, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, 5 से 10%। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस कलर के लिए कौन सा पिगमेंट मिलाते हैं। आपके रेड येलो ब्राउन कलर के लिए जो है आपका लोह ऑक्साइड मिलाते हैं, ब्लैक ब्राउन कलर के लिए जो है मैग्नीज डाई ऑक्साइड पिगमेंट मिलाते हैं और आपके ब्लू कलर के लिए जो है कोबाल्ट व ग्रीन कलर के लिए जो अगर जो हमें ग्रीन कलर का सीमेंट तैयार करना है तो उसके लिए हम क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं। जो आपका कलर सीमेंट होता है उसे क्लोरोकीट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिक्सोट्रोपी ऑफ सॉइल रेफर टू, तो जो आपकी सॉइल की थिक्सोट्रोपी होती है वो किसे रेफर करती है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर इट हैज़ बीन रिमोल्डेड, समय बीतने के साथ जो है मिट्टी की जो भी स्ट्रेंथ होती है ये उसे गेन करती है जब इसे तैयार किया जाता है, या फिर लॉज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद पैसेज ऑफ टाइम
आफ्टर इट हैज़ बीन रिमोल्डेड, समय बीतने के साथ जब मिट्टी की शक्ति में कमी होती है, स्ट्रेंथ में, जब इसे तैयार किया जाता है, या फिर थिकनिंग ऑफ सॉइल पार्टिसीज विद वाटर या नन ऑफ दीज। तो आपके थिक ट्रोज के संबंध में जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सीपेज थ्रू ए सॉइल द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज ऑलवेज। यहाँ पर पूछा गया है कि सॉइल में सीपेज के दौरान जो है सीपेज किस डायरेक्शन में होता है। बी नंबर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, परपेंडिकुलर टू इक्विपेंटियल लाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट इज कंडक्टेड विद द फॉलोइंग पर्पज। तो जो आपका प्रॉक्टर टेस्ट होता है ये किस पर्पज के लिए कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, टू नो द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड रिजल्टिंग ड्राई डेंसिटी ऑफ, या फिर टू नो द लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ऑफ एम्बैकमेंट्स, या फिर आपके सॉइल की जो है सीयर स्ट्रेंथ को जानने के लिए, या फिर आपके सबग्रेड सॉइल की सीबीआर वैल्यू को जानने के लिए किया जाता है। आपका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट जो है वो आपके मॉइस्चर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी को जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्जागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी एज्यूम डेट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि टर्जागी की जो एक वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी जो है उसके अनुसार क्या होता है। सॉइल पार्टिकल जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, या फिर सॉइल जो होती है वो नॉन होमोजीनियस होती है, या फिर जो भी इनका आयतन परिवर्तन होता है, वॉल्यूम चेंज, वो कांस्टेंट नहीं रहता है, या फिर कंप्रेशन इन वन डायमेंशनल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू ग्रेविटी डैम व्हाट डू अर्थन डैम रिक्वायर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके एक ग्रेविटी डैम की तुलना में मिट्टी के बांध के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, पत्थर की मजबूत जो है नींव होनी चाहिए, या फिर आपके पास कम कुशल लेबर होने चाहिए, या कुशल लेबर होने चाहिए, या फिर जो लागत है इसकी ज़्यादा आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, कम कुशल लेबर होने चाहिए। आज हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 25 कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।